हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुशवा आज आपके लिए लेकर आए हैं कोलंबा। हम बात करेंगे कोलंबा की, अर्थात पिजन की बात करने वाले हैं। यहाँ हम कौन कौन से क्वेश्चन एवीज में, जो बीएससी में पिजन्स दिया हुआ है, उससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी में, या पीसीएस में, या जीआईसी में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कोलंबा। तो अब हम बात करते हैं कोलंबा की, तो शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इंफ्रा ऑर्बिटल आर्किड इज सीन इन द स्कल ऑफ, तो इंफ्रा ऑर्बिटल जो आर्केडी है वो किस में पाया जाता है, तो सिंपल सी बात है पिजन में पाया जाता है। पक्षियों का जबड़ा दंतविहीन होता है। अब उसके ऑप्शन बी सही है, अब उसको बता भी रहा है कि पक्षियों का जबड़ा जो होता है दंतविहीन होता है। इनका ऊपरी जबड़ा हर तरफ दो अस्थिमय आर्क यानी एक्सटर्नल और इंटरनल आर्क बनाता है। आउटर आर्केडी जो होता है या आर्क जो होता है मुख का किनारा बनाता है, तथा इन्फ्रा ऑर्बिटल जो आर्केडी है या आर्क है, आर्केड है, या सब ऑर्बिटल बार कहते हैं। पीजन मिल्क किसे बोलते हैं, तो पीजन मिल्क क्रॉप ग्लैंड से बनता है। क्या बनता है? क्रॉप ग्लैंड से बनता है, और ये मेल और फीमेल दोनों से बनता है। तो ये यूपीपीएससी बना हुआ है, ये क्वेश्चन है। ये तो मुझे मालूम था कि क्रॉप ग्लैंड से बनता है, मगर यहाँ देखे थोड़ा सा अंतर कर दिया, मेल और फीमेल, या क्रॉप ग्लैंड्स ऑफ बोथ फीमेल एंड मेल पिजन। तो कबूतर की ओसोफेगस का मध्य भाग फैलकर एक पतली भित्ति का द्विपालिका क्रॉप बनाता है, जिसमें कबूतर के या पिजन मिल्क का श्रावण होता है। यह मेल व फीमेल दोनों पक्षियों में बनता है। इसमें 35% जो होती है फैट पाई जाती है। ये अवयस्क पक्षियों के पोषण में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैक्टिन इज फाउंड इन द आई ऑफ, तो जो पैक्टिन पाया जाता है वो किसकी आईज में पाया जाता है, तो पिजन के। तो पैक्टिन, जो पैक्टिन इज फाउंड इन द आई ऑफ पिजन, पैक्टिन इज ए कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन कैविटी ऑफ आई फ्रॉम द रीजन ऑफ वेंट्रल टू ब्लाइंड स्पॉट वेयर ऑप्टिक नर्व्स इंटर्स द आई बॉल, पैक्टिन प्रेजेंट इन द पिजन। पिजन मिल्क इज सिक्रीटेड बाय, तो अभी वही हमने आपको बताया था क्रॉप जो होता है मेल और फीमेल दोनों से। तो देखिए ये क्वेश्चन 2004 में पूछा गया, ये 2003 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीजन मिल्क इज सिक्रीटेड इन द मेमेनरी ग्लैंड ऑफ पीजन, यूरोपीजियल ग्लैंड, क्रॉप ग्लैंड ऑफ, मतलब इसमें हमें लगता है मेल या फीमेल दिया होगा, केवल वो बनाया हुआ है, क्रॉप ग्लैंड ऑफ, तो बोथ, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, कई बार पूछा गया, ये 2001 में भी पूछा गया है। कबूतर का एक अद्वितीय योग्यता को देखा गया है कि जिसमें पीजन मिल्क का श्रावण नर और मादा कबूतर के क्रॉप ग्रंथियों से होता है। यह नरम पनीर जैसा होता है जो जनन काल के दौरान प्रमुख रूप से स्रावित होता है। इन विच द फॉलोइंग एनिमल द बोन्स आर लाइटेस्ट, इनमें वो कौन से एनिमल्स हैं जिनकी बोन लाइटेस्ट होती है, तो इसमें सिंपल सी बात है पीजन होगा, क्योंकि बर्ड्स में ही पाई जाती हैं और यहाँ सिर्फ जो बर्ड्स दिया है वो पीजन है, तो ऑप्शन इसका सी सही होगा। 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। यूरोपाइजियल ग्लैंड इज एसोसिएटेड विद, तो यूरोपाइजियल जो ग्लैंड होती है वो पीजन में पाई जाती है, और यूरोपाइजियल ग्लैंड जो होती है वो जो पंखों को तक चिकना करती है या सॉफ्ट करती है। यूरोपाइजियल ग्रंथि का प्रीन ग्रंथि भी कहते हैं। यह कबूतर में पाई जाती है, ये तेल का श्रावण करती है जो पक्षी के पंख को जलरोधी बनाता है। इन पीजन रेटिना पजेस, कबूतर के रेटिना में होता है, बराबर सलकाएं एवं शंकु, शंकु की अपेक्षा अधिक सलकाएं, सलकाओं से अधिक शंकु, इनमें से ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन है मोर कोन्स देन रॉड, कोन्स ज्यादा पाए जाते हैं, रॉड कम पाए जाते हैं। चलिए इसका वो भी हम अध्ययन कर लेते हैं। आंख की रेटिना में दो प्रकार के प्रकाश संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो शंकु तथा सलाकाओं या राड के नाम से जानी जाती हैं। शंकु दिन के प्रकाश की संवेदी तथा राड रात्रि प्रकाश के लिए होते हैं। ध्यान रखना, रॉड किसके लिए होते हैं, राड से भी याद कर सकते हैं कि जो रॉड घरों में लगाए रखते हैं ना, ट्यूबलाइट, तो वो कब यूज़ करते हैं, रात्रि में यूज़ करते हैं, तो ऐसे याद कर सकते हैं। और कौन क्या यूज़ करते हैं, दिन में। इनकी रेटिना में सलकाएं कम परंतु शंकु अधिक पाए जाते हैं। कबूतर दिनचर प्राणी है, कैसा है, दिनचर, अगर ये रात्रिचर होता तो रॉड ज़्यादा होते, कोन कम होते, तो ऐसे याद रख सकते हैं।
एक्सटर्नल नरेस ऑफ पीजन आर कवर्ड बाय, कबूतर में बाय नसारंद्र ढका होता है, तो नसल फोल्डर के द्वारा ढका रहता है, नसल फोल्ड्स के द्वारा, और सीरी दिया हुआ है, ये ऑप्शन इसका सी सही है, सीरी। कबूतर में बाय नसारंद्र सीरी द्वारा ढका होता है, कबूतर जंगली व घरेलू दोनों पक्षी होता है, इसका वैज्ञानिक नाम कोलंबिया लीविया है, यह संघ कॉर्डेटा का जंतु है। वैसे तो कबूतर का पूरा शरीर फीडर्स से, फेटर लिखा है, फीडर से ढका रह होता है, ऊपरी चोंच के पास फीडर से ढके एरिया में सेरी पाया जाता है, सेरी के आंतरिक भाग में एक जोड़े बाय नसारंध्र पाए जाते हैं। तो किससे ना किसकी ढकी रहती है, तो सेरी से ढकी रहती है। पीजन मिल्क इज सिक्रीटेड बाय, पीजन मिल जो सिक्रीटेड होता है मेल एवं फीमेल दोनों के द्वारा, तो ऑप्शन सी सही है। देखिए पीजीटी बायोलॉजी 2009 में आया, वहाँ पीसी और यूपीपीएससी के एग्जाम में 3-4 बार आया है। क्रॉप मिल्क फाउंडिन, तो क्रॉप मिल्क पाया जाता है, एल टी ग्रेड जो परीक्षा हुई थी क्रॉप मिल्क फाउंडिन, तो वो पीजन में हमें देखने को मिलता है। डाउन फीडर्स आर प्रेजेंट इन, तो अंडे से निकलने वाले नए चूजे में, या मेल पीजन नर कबूतर में, या मादा में, या वयस्क कबूतर में, तो कोमल पर फीदर कबूतर के अंडे से निकलने वाले बच्चे में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन ए सही था इसका। अब हमारा आता है रैबिट, रैबिट से कौन कौन से प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, तो उन प्रश्नों को देखते हैं कि जो रैबिट से जो अक्सर प्रश्न पूछे गए हैं। इन रैबिट द ब्लास्टोपोर डेवलप इनटू, इन रैबिट द ब्लास्टोपोर डेवलप इनटू फीचर्स, तो ब्लास्टोपोर जो डेवलप होते हैं, तो उससे ब्लास्टोपोर से क्या डेवलप होता है, एनस। एट रैबिट द ब्लास्टोपोर डेवलप इन द एनस द प्रोटोस्टोम्स डेवलप इनटू माउथ, इट विच एनिमल ब्लास्टोपोर डेवलप इनटू एनस नोन एज ड्यूटेरोस्टोम, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। देखिए ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये जनरली आप ध्यान रखिएगा कि जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं उनमें पहले ब्लास्टोपोर से मुख बनता है, बाद में एनस बनता है, और ड्यूटेरोस्टोम में पहले एनस बाद में मुख। तो इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा जो है ये ड्यूटेरोस्टोम है, इनको सार छोड़कर इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेटा को सारे प्रोटोस्टोम है। तो बस यहाँ चूंकि इतना याद नहीं करना, केवल इतना देखना, रैबिट कॉर्डेट है, अच्छा तो ठीक है ड्यूटेरोस्टोम होगा तो एनस बनेगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फ्लोटिंग रिप्स आर फाउंड इन, तो फ्लोटिंग रिप्स जो होती है वो ऐसे मैन में पाई जाती है, तो इसका डी ऑप्शन भी सही है और बी भी सही है। जो पसलियाँ स्टर्नम तक नहीं पहुँचता उसे हम फ्लोटिंग रिप्स कहते हैं, 10वीं 11वीं 12वीं रिप्स को फ्लोटिंग रिप्स कहते हैं, यह खरगोश में पाई जाती है, मानव में भी फ्लोटिंग रिप्स पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन जो सही है वो बी और डी है। क्या है, बी और डी दोनों सही है। कॉटिलॉइड बोन्स इज फाउंड इन, तो कॉटिलॉइड बोन्स किस में पाई जाती है, तो कॉटिलॉइड बोन्स बता रहा है किस में होगी, रैबिट में, 2002 और 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है, रैबिट में पाई जाती है। कॉटिलॉइड हड्डी बोन खरगोश के पैल्विक गर्डिल में पाई जाती है, कॉटिलॉइड हड्डी प्यूबिस को एस्टाबुलम तक पहुंचने से रोकता है। जाइगोमैटिक आर्च इज फाउंड इन द, जाइगोमैटिक जो आर्च है वो पाई जाती है, फाउंड इन द, तो अब बताएगा, अपर जॉ फ्रॉग, अपर जॉ रैबिट, लोअर जॉ फ्रॉग, लोअर जॉ रैबिट, तो जाइगोमैटिक जो आर्च होती है वो कहाँ पाई जाती है, अपर जॉ ऑफ रैबिट। जाइगोमैटिक प्रोसेस फाउंड इन द मैक्सिला ऑफ अपर जॉ ऑफ रैबिट। डाइस्टेमा इज ए, तो डाइस्टेमा किस में पाया जाता है, रैबिट में, और ये दांत का खाली गैप होता है, तो गैप बिटवीन टीथ, ये क्वेश्चन पीजी टीम भी आया शायद आगे आपको देखने को मिले, तो ऑप्शन डी सही है। डाइस्टेमा इज ए गैप बिटवीन टीथ ऑफ मैमल्स इन डाइस्टेमा, कैनाइन टीथ अब्सेंट, जो जितने भी शाकाहारी होते हैं उनमें कैनाइन अब्सेंट होता है। डेंटल फार्मूला जो रैबिट का होता है ये भी पूछा गया है, 20-33-10-23, 20-33-10, 20-33/10-23, कैनाइन अब्सेंट इन बोथ जॉ ऑफ रैबिट, ऊपर और नीचे दोनों जॉ में अब्सेंट होता है। डाई स्टेमा इज, तो डाई स्टेमा इज क्या है, अभी आप बताए हैं,
तो ये क्या है? ए टाइप ऑफ टूथ ऑफ रैबिट, स्पेस ऑफ टीथ लाइंस ऑफ रैबिट, तो ऑप्शन बी सही है इसका भी। बताएं, एटलस वर्टिब्रा ऑफ रैबिट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो जो एटलस वर्टिब्रा ऑफ रैबिट इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो बताइएगा अब्सेंस ऑफ सेंट्रम, अब्सेंस ऑफ प्री जायगो फाइसिस, अब्सेंस ऑफ पोस्ट जायगो फाइसिस, तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑल द एबव कैरेक्टरिस्टिक। देख लेते हैं, वर्टिब्रा ऑफ रैबिट आर एस्यूलस मीन्स सेंट्रम इज अब्सेंट, प्री जायगोफाइसिस एंड पोस्ट जायगोफाइसिस आर अब्सेंट, ओडोनटोइड प्रोसेस एंड ट्रांसफर प्रोसेस प्रेजेंट, एनिमल ईटिंग दियर फेसेस टू रीडाइजेस्टेड सेल्यूलोस कंटेन आर कॉल्ड, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कार्प्रोफेगस, ध्यान रखिएगा। तो रैबिट एक ऐसा होता है जो अपनी ही पचे हुए भोजन उसको फेसेस को खा लेता है। द जायगोमेटिक आर्च ऑफ रैबिट मेड ऑफ मैग्जिला स्क्वामोजल एंड, जायगोमेटिक आर्च ऑफ रैबिट इज मेड अप ऑफ मैक्सिला स्क्वामोजल एंड, तो ऑप्शन इसका बी सही है, जुगल। जुगल इज ए नैरो वेवी बोन, इट इज कनेक्ट्स जायगोमेटिक प्रोसेस ऑफ स्क्वामोजल एंड मैग्जिला फॉर्मिंग जायगोमेटिक आर्च। द वर्टिब्रल फार्मूला ऑफ रेविट इज, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्या फार्मूला होता है रैबिट का, वर्टिब्रल फार्मूला, तो वो है सी टी एल एस 4 CD6, तो ये पूरा फार्मूला है। ए ए और ये अच्छा ऑप्शन दिया हुआ, देख लेते हैं, ए ही सही है इसका। क्या सही? ए। टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रा ऑफ रैबिट 45 to 47, कितनी होती है? 40। वर्टिब्रल फार्मूला ऑफ रैबिट C7T12L6S4CD16। द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा इज एटलस, सेंट्रम इज अब्सेंट, तो ध्यान रखिएगा C7T12L6S4CD16। कोटिलॉइड बोन इज फाउंड इन, तो कोटिलॉइड बोन्स तो आप जानते हैं कहाँ पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती है पेल्विक गार्डन ऑफ रैबिट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, इन रैबिट एक्सिपॉइड कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन, खरगोश में एक्सिपॉइड कार्टिलेज स्टर्नम की स्थित होती है, तो ऑप्शन इसका सी सही, स्टर्नम। यह लंबा और पतला होता है, फैले हुए प्लेट तक सीमित होता है, द्वितीय सर्वाइकल वर्टिब्रा को एक्सिस वर्टिब्रा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन रैबिट कोटिलोइड बोन इज प्रेजेंट इन, तो वो अभी पैल्विक गर्डिल में है। ये देखिए क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, घुमा घुमा क्या है, कम से कम 5 बार 5 साल लगातार आया है। खरगोश में कोटिलोइड हड्डी जो पैल्विक गर्डिल में उपस्थित होती है, कोटिलोइड हड्डी प्यूबिस को एस्टाबुलम तक पहुंचने से रोकता है, ये भी बता चुके हैं। खरगोश का गर्भकाल क्या होता है, ये TGT बायोलॉजी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, खरगोश का गर्भकाल कितने दिन का होता है, तो ये होता है खरगोश का गर्भकाल 28 से 32 दिन का। कितना होता है? 28 से 32 दिन का। खरगोश का गर्भकाल 28 से 32 दिन का होता है, जबकि खरगोश का औसत गर्भकाल 31 दिन का होता है। बिल्ली का गर्भकाल जो होता है 58 से 65 दिन का होता है। हाथी का गर्भकाल 2 वर्ष से यानी 21 महीना का होता है। काले भालू का गर्भकाल 220 दिन का होता है। पोलर बियल का गर्भकाल 24 दिन का होता है। ऊँट का गर्भकाल 360 से 420 दिन यानी लगभग 1.5 साल का होता है। चिंपांजी का गर्भकाल 230 से 250 दिन होता है। गाय का गर्भकाल 279 to 292 होता है। कुत्ते का गर्भकाल 58 से 65 दिन का होता है, औसतन 61 दिन का होता है। बकरी का गर्भकाल 145 दिन या 155 दिन का होता है। घोड़े का गर्भकाल 330 से 342 दिन का होता है। मानव का गर्भकाल 249 से 280 दिन का होता है, ध्यान रखिएगा।
किडनी ऑफ एडल्ट रेविटार, तो वो कैसी होगी? तो वो होती है, बताएंगे आप, ये TGT बायोलॉजी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन सही होगा मेटानेफ्रॉन्स। चलो इसका विस्तृत अध्ययन भी कर लेते हैं। वयस्क सस के वृक्क जो होता है मेटानेफ्रिक होते हैं। मेटानेफ्रिक किडनी रेप्टाइल्स और चिड़ियों में भी पाई जाती है, ध्यान रखना। प्रोनेफ्रिक जो किडनी होती है ये मिक्सिन या हैग फिश और टैडपोल में पाई जाती है। मीजोनेफ्रिक किडनी मछली और उभयचर में पाई जाती है। मेटानेफ्रिक एमनियोट्स जैसे सरीसृप, पक्षी एवं स्तनधारियों में पाई जाती है। थर्ड वेंट्रिकल इज फाउंड इन, तो ये देखिए वेंट्रिकल एक बड़ा अच्छा शब्द है, ये दो जगह पाया जाता है, ये ब्रेन्स में भी पाया जाता है और ये हार्ट में भी वेंट्रिकल शब्द का प्रयोग होता है। तो चूंकि थर्ड पूछा है तो ब्रेन्स का ही है। तीसरा वेंट्रिकल डायन्सिफेलॉन बोलते हैं, ध्यान रखना, वेंट्रिकल को डायन्सिफेलॉन खरगोश के मस्तिष्क में पाया जाता है। और डायन्सिफॉल डायमंड के आकार का होता है, ये जोड़े में नहीं होता है, इसके अग्र सिरे पर सेरेब्रल हेमिस्फीयर के पश्च भाग से ढका होता है। डायन्सिफेलॉन खोखला होता है, इस गुहा को थर्ड वेंट्रिकल या डायोसील कहते हैं। काउपर्स ग्लैंड प्रेजेंट इन द, काउपर ग्लैंड तो हम आपको बता दें रैबिट में ही पाई जाती है, TGT बायोलॉजी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। काउपर ग्रंथ मादा खरगोश में पाई जाती है। मादा खरगोश में एक जोड़ी वर्थोलिन ग्रंथ या काउपर ग्रंथ पाई जाती है जो वेस्टिब्यूल के पृष्ठी दीवार में धसी रहती है। फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक प्लेस इन रैबिट मैन एंड अदर प्लेसेंटल मेमल, मानव शशक एवं अन्य अवली स्थानियों में निषेचन कहाँ होता है? तो ये होता है फैलोपियन ट्यूब्स में। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब्स में होता है। आप पढ़ लीजिएगा, चूंकि वीडियो लंबा खींच रहा है, फटाफट आप पढ़ लीजिएगा और हम आज इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं। और रूबर आर फाउंड इन, तो रूबर कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो रूबर कोशिकाएं द काउपर ग्लैंड भी खरगोश में और रूबर से भी। रूबर कोशिकाएं खरगोश के ब्लास्टोसिस्ट में पाई जाती हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रूबर सेल्स खरगोश की ब्लास्टोसिस्ट में पाई जाती हैं। कोशिका सेल मास स्तनधारियों के एम्ब्रियो में पाया जाता है। ब्लास्टोसिस्ट का इनर मोस्ट लेयर नियोजोना कहलाता है, ये रेविट को कवरिंग प्रदान करता है। नियोजोना म्यूकोप्रोटीन लेयर तथा ट्रोफोब्लास्ट के बीच में पाई जाती है। नंबर ऑफ लोब्स इन राइट एंड लेफ्ट लंग्स ऑफ रैबिट आर, तो हमें लगता है 3 ऐसे कुछ होता है, 4 और 2 होता है, ध्यान रखना। खरगोश के दाएं फेफड़ों में पिंडों की संख्या 4 होती है और बाएं में 2 होती है। जैसे एंटीओ एंटेरो राइजिगस राइट एंटेरियर, राइट पोस्टीरियर एंड पोस्टेरियर एजाइगस, तो बाएं फेफड़े में पिंडों की संख्या 2 होती है, लेफ्ट एंटीरियर और लेफ्ट पोस्टीरियर। तो ध्यान रखना, ये इस क्वेश्चन PGT बायोलॉजी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है, और कि खरगोश के जो फेफड़े होते हैं उनमें पिंडों की संख्या कितनी होती है, तो दाहिना जो होता है वहाँ 4 होती है और बाएं में 2 होती है। हार्वेसियन सिस्टम करेक्टरिस्टिक, तो देखिए मनुष्य में भी पाया जाता है, मनुष्य नहीं है तो यहाँ खरगोश दिखाई देगा, क्योंकि खरगोश मैमेलियन है तो इसलिए इसमें पाए जाने की संभावना है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। PGT बायोलॉजी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। हार्वेसियन कैनाल स्तनधारियों की हड्डियों में पाई जाती है, सामान्यतः यह ओस्टोन कहा जाता है। दिए गए विकल्प में खरगोश एक स्तनधारी, अतः विकल्प 3 सही। स्तनधारियों में रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। खरगोश को एटलस कशेरुकी की विशेषता है, तो बताइए एटलस की जो विशेषता है वो क्या है? विशेषता है उपरोक्त सभी पश्च युग्म विमुक्तिकरण के अनुपस्थित, यानी अब्सेंस ऑफ पोस्ट जाइगो जाइगोफाइसिस, अब्सेंस ऑफ प्री जाइगोफाइसिस, अब्सेंस ऑफ सेंट्रम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन और देखेंगे। द ग्लोमरुली इज रेविटार लिमिटेड टू, शशक की वृक्क ग्लोमरुली सीमित होती हैं, कहाँ सीमित होती हैं? तो अब बताइएगा, तो ये सीमित होती हैं कॉर्टेक्स में। शशक की किडनी मेटानेफ्रिक होती हैं और ये यूरियोटेलिक होता है, क्योंकि यूरिया का त्याग करता है, इसके वृक्क में ग्लोमरुलाई कॉर्टेक्स में सीमित होती हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विषैले तथा विषहीन सांपों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताना ना भूलिएगा। इसी के साथ नमस्कार, शुभरात्रि।